गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग कल तक एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर से आगे बढ़ गए थे और डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट पड़ चुके थे कैपेसिटेंस पर। आज भी लगभग मिलती जुलती हेडिंग ही लिखी है हमारे सामने, बस एक छोटा सा चेंज है। हेडिंग क्या लिखी हुई पहले बता दें आपको, इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक टू ए चार्ज्ड कैपेसिटर। अच्छा एक और बात जो जरूरी है आपके लिए भी, इसलिए कि आप लोग जो हैं, मुझे नहीं पता कि क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि जो फिजिक्स में एक बार पीछे चले जाता है, मैं हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं एक ही बात, जो फिजिक्स में एक बार पीछे चले जाता है वो वापस से कैचअप नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता लोगों को, अपने साथियों को नहीं पकड़ पाता, टीचर के साथ वो कांटेक्ट खत्म हो जाता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो या तो भटक रहे हैं या उन्हें अभी आइडिया नहीं लग रहा है कि उन्हें पढ़ना भी है, या ये कोरोना वायरस उनके एग्जाम कैंसिल करवा देगा, शायद इस सोच में है। मुश्किल से 20 लोग 25 लोग ऐसे हैं जो फेयरली देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं। कई लोगों के ऐसे हैं जो बीच में लेक्चर छूट गए हैं उनके, या तो उन्हें टाइम नहीं मिला या उन्होंने टाइम निकाला नहीं। तो उनसे मैं यही कहूंगा कि पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, दो चैप्टर्स खत्म होने वाले हैं, आपको अभी आता जीरो है। ऐसा भी माहौल नहीं बन पा रहा है कि हम लोग एक दूसरे से मिलें और मिलके आपका हम एक टेस्ट लें, हम एनालाइज करें आप क्या सीखे हैं। तो वो सब चीजें जब नहीं है तो आप अपने लिए खुद एक जज बनिए। ये नहीं है कि अब टीचर नहीं जजिंग कर पा रहा है आपकी प्रॉपर वे में, तो आप खुद अपने लिए जज बन सकते हैं ना। इनफैक्ट इन दी एंड सारा बेनिफिट तो आपका ही है, हमारा तो कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट आपका ही है कि आपको ही सीखना है, पेपर आपको देने हैं, नॉलेज आपकी बढ़नी है, हमारी नहीं बढ़ रही है। तो आपको क्या करना है, अपने लिए जज खुद बनना है, खुद से तैयार करना है, देखना है हम कुछ सीखे हैं नहीं सीखे हैं, नोट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे। कोई हाथ से लिख के नहीं दे जाएगा, जादू नहीं है ये कोई, कि हम आए और हम आपको जब स्कूल खुलेंगे या जब भी आप हमसे मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे तो भी आपको कहीं से नोट्स मिल जाएंगे या किसी दोस्त के बना लें। सब बकवास बातें हैं। मैं बहुत लंबा लेक्चर वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन वास्तव में ये गुस्सा है मेरे अंदर कि जो अब नहीं निकल सकता है इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये सच में एक गुस्सा है, एक टीचर का गुस्सा है कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप उस चीज़ को फील ही नहीं करना चाहते। ये सिचुएशन कितनी ख़राब है आपको पता भी नहीं है। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे, आप खुद समझिए, मुझे नहीं पता, लेकिन सिचुएशन बहुत ख़राब है और इसको आप अपने लिए और ख़राब कर रहे हैं। जब आपको घर बैठे मौका मिल रहा है पढ़ने का तो उसको यूटिलाइज करिए ना, क्यों उसको ऐसे हवा में वेस्ट कर रहे हैं, भटक क्यों रहे हैं, या फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना फालतू की चीजों में। चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक टू ए चार्ज कैपेसिटर, सिचुएशन ये है कि एक कैपेसिटर है, एयर फिल्ड या वैक्यूम उसके उसमें है, उसको हमने चार्ज कर लिया है विद बैटरी। बहुत ध्यान से सुनना, ये सिचुएशन है। ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है और ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है। ये की लगी है और ये की अभी फिलहाल कैसी है, क्लोज्ड है। जैसे ही इस की को क्लोज किया होगा तो ये कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा, ये कैपेसिटर चार्ज्ड है। और अब ये चार्ज हो चुका है तो हम अब क्या कर रहे हैं, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। तो पहले तो हेडिंग समझ ले, चार्ज्ड कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं और इंसर्ट कर रहे हैं डायलैक्ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें एक डायलैक्ट्रिक ये रहा और इसको कंप्लीटली इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब जब डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है तो दो सिचुएशन बन सकती हैं। पहली सिचुएशन, बहुत ध्यान सुनना सारी सिचुएशंस को, पहली सिचुएशन ये है कि जो बैटरी कनेक्टेड है ये कनेक्टेड ही रहे और हम डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर दें। तो उस केस में हमें फिर बताना क्या क्या है। हमें चार पैरामीटर्स हैं मेरे पास जो हमने अब तक सीखे हैं इस कैपेसिटेंस वाले में। पहला सीखा था कैपेसिटेंस, फिर सीखा हमने कैपेसिटेंस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल,
चार्ज कैपेसिटर पे कितना स्टोर हुआ और उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई। तो हमने क्या करना है कि जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, बैटरी कनेक्टेड है, तो इन चार चीजों पर क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमारा कैपेसिटर चार्ज था, हमने बैटरी को हटा दिया, की ओपन कर दी, इसका मतलब बैटरी हट गई है, अब ये बैटरी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, तो बैटरी हट गई है, अब मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करूंगा, तो फिर से इन चार चीजों पर क्या फर्क पड़ेगा। ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमें करना है, हमारा एम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं आपको। वैसे ये क्वेश्चंस की फॉर्म में आता है, हम इसको एक टॉपिक की फॉर्म में कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिएगा कि सर कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, मतलब है, लिख के रख लीजिएगा अपने पास कि इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आती है। सिचुएशन समझ गए, हमें ये चार चीजें पता करनी है। कब पता करनी है? कि जब ये चार्ज था, इसमें डायलैक्ट्रिक इंसर्ट किया, कितने केसेस में? दो केसेस में, पहला केस जब बैटरी कनेक्ट रही, दूसरा केस जब बैटरी हटा दी। ठीक है, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं इसका। केस वन, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है इसमें। अच्छा, तो अब हम कब इंसर्ट कर रहे थे, क्या चेंज आया, क्या हमारे पास नए चार्जेस हो गए? तो पहले मैं आपको बता दूं थोड़ी बहुत बातें कि अगर ये बैटरी वी है, अभी डायलैक्ट्रिक इंसर्ट नहीं हुआ, अभी डायलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं हुआ, इनिशियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, तो मैं इनिशियली लिख देता हूं यहां पर। इनिशियली हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो सी है, तो दिख ही रही है हमें। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना, चलिए मैं डायलेक्ट्रिक हटाई देता हूं, आपको बार बार कंफ्यूज ना करे, डायलेक्ट्रिक नहीं है अभी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है जो बैटरी का है? हमने बताया था वी इधर से पहुंचेगा, जीरो इधर से पहुंचेगा, तो पोटेंशियल कितना है इसके अक्रॉस? V है। अब V को V अच्छा नहीं लग रहा है, मैं लिख देता हूं पोटेंशियल कितना है, V है। चार्ज कितना होगा इसके पास? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, चार्ज Q है, वो कितना होगा? Q इक्वल टू C इंटू V, गोल्डन फॉर्मूला था, Q इक्वल टू C इंटू V। एनर्जी कितनी होगी? U से डिनोट करते थे हाफ C स्क्वायर, याद है? तो हमें कैपेसिटेंस भी पता है, चार्ज भी पता है, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी भी पता है। अब मैं कर रहा हूं कि जब डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसमें डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं, ये रहा डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट कर दिया मतलब इसकी प्लेट्स के बीच में डायलैक्ट्रिक भर दिया। अब बताना है बाकी चीजों के बारे में। चलिए, After inserting dielectric, और बैटरी कैसी है साथ में कनेक्टेड। अच्छा एक बात सुनना, कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। आपको शायद याद होगा कि हमने अभी अभी या कल के लेक्चर में एक बात पढ़ी थी कि जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाती है, जब कंप्लीटली फिल कर रहे थे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाती है, तो मैंने बोला सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स। बैटरी चाहे कनेक्टेड हो चाहे कनेक्टेड ना हो, डजंट मैटर, कैपेसिटेंस जो है वो पोटेंशियल पे चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ये पहले ही बताया जा चुका है, इन दोनों के रेशियो पर डिपेंड करती है। आपको शायद याद होगा C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी हमने पढ़ा है, तो वो डिपेंड किस पे करती है? चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो पर, और होती कैसी है? कांस्टेंट होती है। अब जो कैपेसिटेंस बैटरी के साथ रहेगी वही बैटरी हटा दो तब भी रहेगी, डजंट मैटर। इसलिए हम एक ही बात जानते हैं, जब कैपेसिटेंस में या कैपेसिटर में डायरेक्टली फिल करते हैं तो वो के टाइम्स हो जाती है, अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो, ये बहुत ध्यान रखना। तो पहला सिचुएशन तो हमने सॉल्व कर लिया, कैपेसिटेंस कितनी हो गई है, के टाइम्स हो गई, बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया। अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, बैटरी का काम क्या है। बैटरी, मैं हर बार बोलता हूं याद कराने के लिए, बैटरी एक जिद्दी डिवाइस है,
एक डिवाइस है, एक केमिकल डिवाइस बोल सकते हैं, जिद्दी है, जिसका काम क्या है, अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल मेंटेन करके रखना। काम सुन लिया? अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है, चाहे यहां डायलेक्ट्रिक आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, इसका काम है अपने एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल मेंटेन करके रखना। यहां पर वी, यहां पर जीरो, यहां पे वी, यहां पे जीरो, चाहे डायलेक्ट्रिक आए, चाहे ना आए, चाहे भग जाए, कोई मतलब नहीं। क्या रहना है यहां पर पोटेंशियल? वी रहना। तो एक बात हम सीख गए हैं, जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल वी ही रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैंने क्या बोला, पोटेंशियल वी डैश कितना रहेगा, वी क्यों रहेगा, बिकॉज बैटरी कनेक्टेड है। तो एक पंच लाइन मेरे दिमाग में मिल गई है कि क्या लिखेंगे, कैसे याद रखेंगे इसको, कि जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। और ये बात अगर याद होगी तो बाकी सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जब बैटरी कनेक्टेड तो क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, याद रखना ये बात बहुत। क्यों रहता है ये पता चला, बैटरी जितनी डिवाइसेस का काम है अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल को मेंटेन करके रखना। हमें दो फैक्टर्स पता चल गए हैं, क्या चार्ज हम निकाल सकते हैं, चार्ज, नया चार्ज मान लिया कितना हो गया, क्यू डैश हो गया है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सी डेल्टा वी होता है। तो हमने बोला सी डैश और वी डैश, सी डैश वी डैश क्यों यूज किया, बिकॉज हम बाद में चार्ज निकाले तो बाद में कैपेसिटेंस कितनी है, सी डैश, पोटेंशियल कितना है, वी डैश। तो हम वैल्यू रख देंगे, क्यू डैश इज इक्वल टू सी डैश का मतलब के इंटू सी, वी डैश कितना है, क्या वी के बराबर ही है, ये रहा। तो कितना आ गया चार्ज, के सी वी। जरा ध्यान से सुनना, सी और वी तो हमें पता है क्या है, चार्ज था, कौन सा चार्ज था, इनिशियली चार्ज था, यानी डायलैक्ट्रिक फिल करने से पहले कितना चार्ज था उस पर, क्यू। तो हम क्या बोलेंगे कि चार्ज कितना हो गया, क्या के टाइम्स हो गया चार्ज। ये सब पंच लाइन बनती है, सबको दिमाग में रखना है, आपने बसा लेना है इनको। पोटेंशियल सेम रहता है, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाती है, चार्ज भी के टाइम्स हो जाता है। अब एक और फाइनल चीज बची, वो है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू, अब नई एनर्जी निकालने हैं तो डैश लगा दिया, क्या फॉर्मूला था, हाफ सी वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था उनके पास। अब बात कर रहे हैं नई की, तो कैपेसिटेंस सी डैश हो चुकी है, पोटेंशियल वी डैश हो चुका है। वैल्यू रख दीजिए सी डैश और वी डैश की, सॉल्व हो गया, क्या बन गई, यू डैश, हाफ सी डैश, यानी कि कैपेसिटेंस कितनी है, के टाइम्स है, पोटेंशियल तो चेंज ही नहीं हुआ, तो यानी वी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनना, के और आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर क्या ओरिजिनल एनर्जी थी या इनिशियल एनर्जी थी बिफोर इंसर्टिंग द डायलेक्ट्रिक। तो हमारे पास क्या पता चला, हमें एनर्जी कितनी हो गई है, के टाइम्स हो गई है इनिशियल एनर्जी की। अरे तो आसान हो गया क्या याद करना, कैपेसिटेंस भी के टाइम्स, चार्ज भी के टाइम्स, एनर्जी भी के टाइम्स, कब, जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी, और पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम। तो मेरी रिकमेंडेशन आप सब भूल नहीं सकते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, आपको सबसे जरूरी लाइन जो याद रखनी है कि बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो क्या सेम रहेगा पोटेंशियल, बिकॉज बैटरी इज ए जिद्दी डिवाइस। आई थिंक बात सुन पाए हैं, और सुन पाए हैं तो नोट भी कर लिए होंगे इतनी देर में। ये जो आप में से कुछ लोग एक एक मिनट में ना ऐसे स्क्रॉल करते करते वीडियो आ जाता है, आपने देखा, टच किया एक बार और देखा हाँ सर आ गए और बंद कर दिया। इतनी बुरे भी नहीं है सर कि देखते ही बंद कर देते हैं, ऐसा मत करिए, हमारा कोई लॉस नहीं है, आपका लॉस है बहुत ज़्यादा। पढ़ा रहा हूँ उसको, सारी बातें याद हो गई, एक एक बात याद रखना, हटा रहा हूँ, ओ ये तो हटाने नहीं था। अब के सेकेंड पे आ रहे हैं, बैटरी इज रिमूव, बैटरी क्या कर दी गई है, हटा दी गई है।
बैटरी हटा दी गई है, इसका मतलब यहां से सर्किट कैसा हो गया, ओपन हो गया है। अब हमें इसकी बैटरी की जरूरत खत्म हो गई, एक एक बात पे गौर करना मेरी। अब क्या इसका जिद्दीपन काम आएगा? अब इसका जिद्दीपन काम नहीं आएगा। क्यों नहीं काम आएगा? बिकॉज बैटरी हट चुकी है, सर्किट में नहीं है। अभी कितनी भी जिद कर ले, इसका कनेक्शन कैपेसिटर के साथ हट गया, यानी कि पोटेंशियल अब सेम नहीं होने वाला। बात सुन ली है मेरी आपने? तो सबसे पहली और सबसे आसान बात हम लिख देते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मैंने अभी भी बताया था, चाहे बैटरी रहे और चाहे ना रहे, वो कितनी रहेगी, के टाइम्स हो जाएगी। चलिए एक बात तो निबट गई। अब बात करते हैं जब पोटेंशियल सेम नहीं है तो अब क्या कोई ऐसा है जो सेम रह सकता है? बिल्कुल है। देखिए, जब ये बैटरी इसके साथ कनेक्टेड थी तो इसने इस पे चार्ज दे दिया था, कुछ क्यू इक्वल टू सीवी अमाउंट का चार्ज इसने इस पे स्टोर कर दिया था। अब हमने बैटरी हटा दी, लीजिए बैटरी आपको दिख रही है, हट गई है बैटरी, बिल्कुल साफ हो गई बैटरी। अब ये कैपेसिटर पर जो चार्ज है उसको कहीं जाने की जगह ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? मैं ये खड़ा हूं और मेरा आसपास की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरे पास जो नॉलेज है वो किसको दूंगा? वैसे ही इस बेचारे कैपेसिटर के पास जो चार्ज है वो ये किसको देगा? बिकॉज आसपास इसका अभी आइसोलेटेड हो गया है। सिंपल सी बात बोले, आइसोलेटेड हो गया है, इसका आसपास जो बैटरी से सर्किट था वो खत्म हो गया, और कोई आपस में कहीं दूसरा कनेक्शन है नहीं, तो जितना चार्ज इस पर था वो कहीं ट्रेवल कर ही नहीं सकता, उस चार्ज के पास कोई रास्ता ही नहीं। ऐसे रखा है कैपेसिटर, अभी ऐसे ही बेला अकेला ही, तो सिंगल तो हो गया ये, अब सिंगल हो गया है ये, तो किसको देगा अपना चार्ज? कोई नहीं है चार्ज देने वाला इसका। और अगर कोई चार्ज देने वाला नहीं है तो मैं बोल सकता हूं जब बैटरी हट जाएगी तो कौन सेम रहेगा? चार्ज सेम रहेगा। ये दो बातें बहुत जरूरी थी, तो मैंने बोला चार्ज सेम रहेगा जब बैटरी हट जाएगी, तो Q डैश की वैल्यू कितनी रहेगी? Q के इक्वल। बस यही दो लाइन बार बार दोहराते रहेगा, बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल सेम रहेगा, बैटरी हट जाएगी तो चार्ज सेम रहेगा। अब दो बातें जब मुझे पता चल जाती हैं C और Q, तो मैं पोटेंशियल तो निकाल ही सकता हूं, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल V डैश। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? अरे क्या याद है आपको? नहीं याद है क्या? C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, तो V इक्वल्स टू Q अपॉन C। क्या होता है? Q अपॉन C। क्या Q डैश और C डैश कर दें? रख दीजिएगा वैल्यू, तो V डैश हो गया आपके पास, दिख रहा होगा। Q डैश की वैल्यू ढूंढिएगा कहां है, कोई चेंज नहीं आया चार्ज में। C डैश कितना है? K टाइम्स हो गया है। जरा मेरी बात पहचानने की कोशिश करेंगे, Q अपॉन C को आइडेंटिफाई करिए। V डैश इज इक्वल टू Q अपॉन C को आइडेंटिफाई कर लिया है, Q अपॉन C इज इक्वल टू पोटेंशियल, Q अपॉन C इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय K। तो पोटेंशियल कितना हो गया है? 1 अपॉन K टाइम्स हो गया है। ये हमारे पास तीसरी लाइन बन गई है, पोटेंशियल 1 अपॉन K टाइम्स हो गया है। सुन पाई है बात? इतनी हटा रहा हूं, हटा नहीं रहा हूं, एक और बात बची है, एनर्जी। एनर्जी को मान लिया U डैश इज इक्वल टू हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, U डैश इज इक्वल टू हाफ C डैश का मतलब K इंटू C, V डैश का मतलब V अपॉन K, स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, K से एक K कैंसिल, तो क्या बचा? जरा नजर रखना पैनी, हाफ C V स्क्वायर डिवाइडेड बाई K। हाफ सी वी स्क्वायर पहचान लीजिए क्या थी? इनिशियल एनर्जी थी डिवाइडेड बाई के। तो मैं लिख सकता हूं यू डैश इज इक्वल टू यू अपॉन के। बात बन गई, बैटरी हट जाती है तो चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल 1 अपॉन के टाइम्स, एनर्जी भी 1 अपॉन के टाइम्स, यानी एनर्जी घट जाती है, पोटेंशियल भी घट जाता है। बाकी बातें अब मैं इन सभी बातों को समराइज करके एक टेबल बना रहा हूं, ताकि वो टेबल आपके जहन में जब भी आप पढ़ें आपके दिमाग में बनी रहे। अराधु सारी कहानी आई थिंक आप समझ गए हैं, बहुत जरूरी थी। अब
एक टेबल बना देते हैं। टेबल पे कुछ दिख रहा है क्या बना रहे हैं पर? हमने एक कॉलम बना लिया, चार प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी अभी मैंने पढ़ा था, क्या क्या थी? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो अभी आपने सीखा था चाहे बैटरी कनेक्टेड रहे चाहे बैटरी ना कनेक्टेड रहे, हटा ली जाए, दोनों ही केसेस में कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है? के टाइम्स हो जाती है। कितनी हो जाती है? के टाइम्स हो जाती है। यही थी बात। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? वही तीन बची, चार्ज, पोटेंशियल। और तो हम पहले बात कर रहे हैं बैटरी कनेक्टेड के केस में। अब जो हम ही बात एक साथ कर रहे हैं, तो मान लिया पोटेंशियल के बारे में बात करें। अब आप साथ साथ बोलिएगा, अभी मैंने खूब रटाया था, जब बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कैसा रहता है? सेम रहता है, सेम रहता है। तो मैं लिख सकता हूं V डैश इज इक्वल टू V। अब यहां पर V क्या था? जो ओरिजिनल पोटेंशियल बैटरी का था। अब बात करते हैं पोटेंशियल बैटरी हटने के केस में कितना हो जाता था? क्या 1/k टाइम्स हो जाता था? बहुत ध्यान रखते हैं वाली बात है। तीसरी, चार्ज के बारे में बात करें। जब बैटरी कनेक्ट, चार्ज कब सेम, पहले वो लिख लो, चार्ज कब सेम रहता है? जब बैटरी हट जाती है। तो मैंने क्या बोला? Q डैश इज इक्वल टू Q। और यहां पर चार्ज कितना बताया था? K टाइम्स हो गया था। कितना हो गया था? K टाइम्स। अब फोर्थ प्रॉपर्टी थी एनर्जी। जरा बात कर लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी के बारे में बताइए, क्या फर्क पड़ा था जब हम लोगों ने बैटरी कनेक्टेड रखी थी तो k टाइम्स हो गई थी एनर्जी, k टाइम्स k इनटू u, और इस केस में कितनी हो गई थी? 1/k टाइम्स। ये चार फैक्टर्स आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा टेबल बना के, बहुत कामयाब टेबल है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी हमारे। आई थिंक आप नोट कर रहे हैं इसको जल्दी से, फिर हम एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक क्वेश्चन करके देखिएगा, स्विच है ये, ये कैपेसिटेंस सी है, ये कैपेसिटेंस सी है, ये बैटरी वी है। दिख गया है सर्किट इतना? ये जो स्विच है ये अभी क्लोज्ड है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अब मैं बोल सकता हूं क्वेश्चन आपको, ये सर्किट इस तरीके से है अभी इनिशियली, ये इनिशियली है। अब मैं क्वेश्चन क्या बोलूं आपको, मैं एक बार बोल दूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन में, इनिशियली दी स्विच एस इज क्लोज्ड, आफ्टर सम टाइम, आप सुनते जाना या लिखते जाना जैसे आप कर देंगे आपकी मर्जी है, आफ्टर सम टाइम स्विच इज ओपन एंड ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के
इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। सुन लिया इतना। फाइंड द रेशियो ऑफ, ये मैं लिख देता हूं, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। अरे कितने लोग मेरे साथ क्वेश्चन सुन पाए हैं, अधूरा मत सुनना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा था, मैं हिंदी में बता दूं एक बार आपको मोटा मोटा क्या कह रहा था, कि इनिशियली ये सर्किट में स्विच क्लोज था, उसके थोड़ी देर बाद, यानी कि थोड़ी देर बाद का मतलब यहां पर क्या है कि जब ये दोनों कैपेसिटर चार्ज हो गए, थोड़ी देर के बाद हमने इस स्विच को ओपन कर दिया, और स्विच को ओपन करने के बाद आपसे ये कहा कि अब टोटल कैपेसिटर कितने हैं, दो हैं, तो अब स्विच ओपन कर दिया, साथ में इसमें क्या इंसर्ट कर दिया, दोनों में एक डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, कंप्लीटली फिल कर दिया, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। और इंसर्ट करने के बाद अब आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों केसेस में बिफोर इंसर्टिंग द डायलेक्ट्रिक और आफ्टर इंसर्टिंग द डायलेक्ट्रिक एनर्जी का रेशियो क्या है। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है, मोटा मोटा क्वेश्चन क्लियर हो गया है, और बहुत जरूरी है क्वेश्चन ये। और एक बात बता दूं, ये 2017 या 2018 में आया था, और मैंने इवैल्यूएशन के टाइम पे, नोटबुक चेक करने के टाइम पे ये फाइंड किया था कि बहुत कम बच्चे क्वेश्चन कर पाए थे, बहुत कम, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत कम बच्चे कर पाए थे। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है आपके सामने, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं अपन, और हमें सॉल्यूशन के दौरान बीच में क्वेश्चन हटाना पड़ सकता है, तो क्यों ना हम उसको पहले ही लपेट दें एक बार। क्लियर है ना एक बार आपको बात है सारी। तो मैंने बोला कि एक बार हम पहले एनर्जी निकाल लें, एक बार बाद में एनर्जी निकाल लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है फिर, तो हम निकाल रहे हैं एनर्जी बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। अच्छा एक और कंफ्यूजन बच्चों का दूर कर दूं, इन दोनों की आपस में एनर्जी का रेशियो नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि क्या था सेंटेंस, कि फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज स्टोर्ड बिफोर एंड आफ्टर इंसर्टिंग द डायलेक्ट्रिक, मतलब कि डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले इन दोनों की जो एनर्जी है उसका रेशियो निकालना है इंसर्ट करने की बाद की एनर्जी के साथ। यानी कि इसकी एनर्जी मैंने मान ली U1 है, इसकी U2 है, तो बिफोर एनर्जी कितनी हो गई है इन दोनों का सम U1 plus U2, और बाद में एनर्जी कुछ डैश डैश मान लेंगे अपन। चलिए तो मैंने क्या बोला, एनर्जी बिफोर इंसर्टिंग द इलेक्ट्रिक कुछ मान ली U, कितनी हो गई है U1 plus U2, U1 plus U2, U1 इस कैपेसिटर की एनर्जी, U2 इसकी एनर्जी। अब एक बात ध्यान से सुनना, सारी बातें क्लियर करता चलूं, ये बैटरी यहां पर लगी है, ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है, जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस है, तो एनर्जी क्या हो गई है, हाफ सी, कितना पोटेंशियल है इसके अक्रॉस, बैटरी लगी है देखना, यहां पे वी यहां पे जीरो, जिनको ना आता हो ये वाला लॉजिक जरूर सीखेगा, वी घूम के पहुंचा यहां पर, और क्या यहां पर भी पहुंच गया, जहां तक ये वायर जाएगा वहां तक वी पहुंचेगा, जीरो और जीरो, दिख गया था, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल वी है, तो मैंने बोला हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, दोनों मिल गए भाई, तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर क्या, एक सी वी स्क्वायर बन गया, तो एनर्जी कितनी हो गई है सी वी स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये क्या क्वेश्चन था जो नहीं कर पाए बच्चे 2017, मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ 2017 या 2018 का बोर्ड एग्जाम था, ये एनर्जी निकल आई कब, बिफोर इंसर्टिंग द इलेक्ट्रिक। अब आफ्टर इंसर्टिंग द इलेक्ट्रिक के लिए मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूं, डायग्राम क्या बन जाएगा, बैटरी ये रही, ये कैपेसिटर रहा, वी बैटरी है, कैपेसिटेंस सी है, और यहां से सर्किट क्या हो गया है, ओपन हो गया है,
दिख रहा होगा। अब जरा एक बात बताना, इन सबके बीच में क्या एक डायलेक्ट्रिक भर गया? स्विच क्लोज कर दिया और साथ में क्या फिल कर दिया? डायलेक्ट्रिक भर दिया। डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो इनकी कैपेसिटेंस क्या के टाइम्स हो गई दोनों की? अरे इसमें हाँ या ना जरूर बोल देना, के टाइम्स हो गई है क्या? डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गई, कोई डाउट नहीं है। ये स्विच ओपन है। अब मुझे फिर से एनर्जी निकालनी है। मान लिया इसकी एनर्जी यू वन डैश है, इसकी एनर्जी यू टू डैश है, तो मैं बोलूंगा आफ्टर इंसर्टिंग डाइइलेक्ट्रिक, आफ्टर इंसर्टिंग डाइइलेक्ट्रिक, नई एनर्जी को मान लिया यू डैश, क्या हो गई? यू वन डैश प्लस यू टू डैश। अरे इतनी बात समझ गए, दो कैपेसिटर थे ना तो दोनों में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, दोनों का सम कर लिया तो टोटल एनर्जी बन गई आफ्टर इंसर्टिंग डाइइलेक्ट्रिक, और टोटल एनर्जी बन गई बिफोर इंसर्टिंग डाइइलेक्ट्रिक। चलिए यू एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर पहले के लिए लिख रहे हैं। अच्छा पहला वाला देखना, अब यहां पे बहुत थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाना। डाइइलेक्ट्रिक तो हमने इंसर्ट किया ना, क्या इसके साथ हमने ये किया है कि बैटरी कनेक्टेड रही है और इसके साथ बैटरी हट गई है? दिख रहा होगा आपको, इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, इसके साथ बैटरी हट गई है, और दोनों ही केसेस में हम जानते हैं कुछ बातें कि एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है ना इतनी बात? तो अब मैं दोनों तरीके से कर सकता था इसको। यू डबल डैश की बात कर रहा हूं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर है? कैपेसिटेंस कितनी हो गई है? के टाइम्स। पोटेंशियल बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कैसा है? सेम है। अब आप बोलेंगे सर कि जब आपको खूब पता है कि के टाइम्स हो जाती है एनर्जी तो हम के लिख सकते थे, के यू लिख सकते थे, लेकिन हम अब उसको के यू लिखते भी तो भी बात देखना, फिर हमें सी वी स्क्वायर के टर्म्स में लेकर आना था क्योंकि हमारा रेशियो निकालना है, तो ये सी वी में है तो ये भी सी और वी के टर्म्स में लिखेंगे, तो इसलिए हम क्यों ना उसको डायरेक्ट लिख लें। क्या लिखा हमने? हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया। कैपेसिटेंस कितनी हो गई है? के सी। पोटेंशियल कितना है जो बैटरी का है? बैटरी कनेक्टेड है। प्लस दूसरे के केस में फिर से फॉर्मूला हाफ। कैपेसिटेंस कितनी? के इंटू सी। पोटेंशियल कितना? बैटरी हट चुकी है, बैटरी हट चुकी है तो पोटेंशियल कितना हो जाता है? वी अपॉन के। खूब पता है वी अपॉन के, तो क्या हो गया? वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। मैं अभी ड्राइव करवा चुका हूं आपसे, के से के कैंसिल हो गया, एक लाइन और हम लोग देख सकते हैं। हाफ के सी वी स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा? हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन के, हाफ के सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन के। मैं ये डायरेक्ट भी लिख सकता था, क्या लिख सकता था? इसकी एनर्जी के यू, इसकी यू अपॉन के, तब भी यही बात बनती। अब जरा इनमें ध्यान से देखना, मैं कुछ डायग्राम हटाऊंगा क्योंकि जगह मेरे पास अब कम रह गई है, ये हटा देता हूं दोनों ही डायग्राम्स। कुछ कॉमन है यहां से, क्या कॉमन है? हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन है, तो यू डैश बन रही है मेरे पास हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन है। क्या बच रहा है यहां से? यहां से बच रहा है के प्लस, यहां से क्या बच रहा है? वन अपॉन के। एलसीएम ले सकते हैं आप यहां से, क्या यू डैश इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, क्या हो गया? के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के। अब रेशियो ही तो निकालना है बिफोर एंड आफ्टर का, तो मैं रेशियो निकाल देता हूं, आप भी निकाल सकते हैं। रेशियो यू अपॉन यू डैश, रेशियो निकालेंगे तो यू की वैल्यू कितनी है? सी वी स्क्वायर। यू डैश की वैल्यू कितनी है? कहां गई है यू डैश की वैल्यू? ये रही सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू के स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई के। सी वी स्क्वायर से सी वी स्क्वायर कैंसिल, तो u अपॉन यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई? ये ऊपर पहुंच गया 2k अपॉन k स्क्वायर प्लस वन। कुछ समझ में आया क्या हुआ? क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है हम लोगों के लिए?
नहीं है मुश्किल, हमें सारी बातें पता है, हमें बेसिक बात हमने आपको अब क्या काम आई आपके लिए। आप चाहे तो एनर्जी का फॉर्मूला याद रखते और चाहे तो ये याद रखते कि बैटरी हट जाती है तो पोटेंशियल 1/k हो जाता है, चाहे कोई भी एक बात याद रहनी चाहिए आपके साथ, जो स्ट्राइक कर जाए वो लगा ली। दोनों में मैंने मनाई किसी की नहीं की है, आप U/k भी कर सकते, तभी एक फॉर्मूला बनना था। हम CV के टर्म्स में क्यों लिख रहे थे, बिकॉज हमारे पास ये एनर्जी COV के टर्म्स में लिखी हुई थी। बात समझ रहे हैं, आप समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन कर पाए होंगे, बताइएगा जरूर कि समझ में आया है कि नहीं आया है। फिर हम लोग कल आगे और बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कल एक और टॉपिक पढ़ सकते हैं हम लोग कॉमन पोटेंशियल का, वो भी एक टॉपिक की फॉर्म में पढ़ सकते हैं वरना क्वेश्चंस की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो मेरी बात आज के लेक्चर में पुरानी वाली याद रखिएगा जो मैंने स्टार्टिंग बोली थी। ऑल द बेस्ट।